वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो आज हम देखेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में मैंने कहाँ पर ट्रेड पोजीशन बनाया हुआ था। तो सबसे पहले हम लोग निफ्टी में देख लेते हैं। निफ्टी में अगर गाइस हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे मॉर्निंग के समय में करीब 11 से 12 बजे के बीच में यहाँ पर आप देख रहे हैं तो एक एम पैटर्न यहाँ पर गाइस परफॉर्म किया है निफ्टी 50 में, और इस एम पैटर्न पर हमने एक पोजीशन बनाया है और जहाँ पर एक अच्छा खासा हम लोग का टारगेट इसने डन किया है। अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ डबल टॉप की, तो मैं डबल टॉप यहाँ पे क्रिएट कर दे रहा हूँ एक बॉक्स पैटर्न से। तो यहाँ पे ये देखिएगा इस पैटर्न पे यहाँ पे इसने डबल टॉप यहाँ पे एक पोजीशन बनाया, और फिर जैसे यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाया वहीं पे मैंने एक पोजीशन बना और छोटा सा एस एल यहाँ पर रख के एक अच्छा सा हम लोग ने यहाँ पर टारगेट अपना अचीव किया है गाइस। तो पैटर्न पे ही ट्रेड मैंने किया था, और एक रीज़न इसका ये भी था गाइस कि ये अपने रेजिस्टेंस पे था, और रेजिस्टेंस पे जब ऐसे पैटर्न परफॉर्म होते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है काफ़ी, और उस कारण यहाँ पे एक एम पैटर्न परफॉर्म किया और वहाँ पे हम लोग ने एक टारगेट बुक किया गाइस। और ओवरऑल निफ्टी में एक ही ट्रेड था। उसके बाद बैंक निफ्टी में देख लेते हैं गाइस। बैंक निफ्टी में गाइस अगर हम देख रहे हैं तो हमें यहाँ पर एंड टाइम पर यहाँ पर एक ट्रेड मिला था, ये करीब 2:30-3 बजे के आसपास का ट्रेड है गाइस, और यहाँ पे हम लोग ने डब्लू पैटर्न को परफॉर्म करते हुए देखा। मैं इसमें एक लॉन्ग पोजीशन का यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ गाइस। तो गाइस जो एंट्री थी इसकी इसी ग्रीन कैंडल के रीटेस्ट पे गाइस हमारी एंट्री थी, और हमने टारगेट इसका हाई जो था गाइस वो हमने ने डिसाइड किया था, और एस एल इस ट्रेड लाइन का लो। और यहाँ पे गाइस एक अच्छा खासा हम लोग को यहाँ पे एक टारगेट मिला गाइस डब्लू पैटर्न में, ये बैंक निफ्टी में गाइस। तो यहाँ पे देख रहे हैं जैसे वहाँ पे हमने निफ्टी में देखा कि डबल टॉप एक रेजिस्टेंस लेवल पे बना रहा था, तो हमें वो वहाँ पे एक अच्छा टारगेट वहाँ पे मिला, और वैसे ही डब्लू पैटर्न एक सपोर्ट लेवल पे जब परफॉर्म करता है गाइस तब हम यहाँ पे एक पोजीशन बना सकते हैं और एक अच्छा हमको यहाँ पे रिस्क एंड रिवॉर्ड में प्रॉफिट मिल सकता है गाइस, टारगेट डन करता है गाइस। तो डब्लू पैटर्न कभी भी आप अगर ट्रेड करें तो एक सपोर्ट लेवल पर हो, और जब भी आप एम पैटर्न यहाँ पर कभी ट्रेड करते हैं तो एक रेजिस्टेंस लेवल पर गाइस परफॉर्म करता रहे तो उसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है। तो ये बैंक निफ्टी में गाइस हमारा डब्लू पैटर्न पर ट्रेड था, और एक अच्छा यहाँ पे भी टारगेट इसने डन किया है। फिन निफ्टी की बात कर लेते हैं गाइस। फिन निफ्टी में भी यहाँ पे एक डब्लू पैटर्न परफॉर्म किया हुआ था एंड टाइम पे, और आज फिन निफ्टी का गाइस एक्सपायरी डे था। यहाँ पे फिन निफ्टी के गाइस एक्सपायरी डे हर मंगलवार को रहता है ट्यूजडे के दिन, और अगर देखेंगे ओवरऑल हम मार्केट तो यहाँ पर गाइस एक साइडवेज मार्केट यहाँ पर कंटिन्यू चल रहा था गाइस, और इस कंटिन्यू में गाइस बहुत लोग ट्रेड किए होंगे, बहुत प्रॉफिट हुआ होगा लॉस हुआ होगा, लेकिन यहाँ पे इस साइडवेज मार्केट में कभी भी ट्रेड नहीं ले लो गाइस। आप भी एक यहाँ पे बॉक्स पैटर्न क्रिएट किया है और एंड टाइम पे यहाँ पे एक गाइस डब्लू पैटर्न परफॉर्म किया है, और उस पैटर्न पे हमने यहाँ पे ट्रेड किया है। अगर नीचे की लेवल पर मैं एक बॉक्स पैटर्न यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ तो इससे वहाँ का लेवल फाइंड आउट हो जाएगा कि इसने कहाँ पर उसका अपना एक सपोर्ट लेवल क्रिएट किया था गाइस। तो ये देखिए गाइस इस पैटर्न पे यहाँ पे कहीं ना कहीं गाइस यहाँ से एक रिजेक्शन पिछले कैंडल पे भी लिया था और यहाँ पे भी एक रिजेक्शन लिया गाइस, उसके बाद ये एक अच्छा यहाँ पे टारगेट गाइस डन किया है। तो ओवरऑल गाइस यहाँ पे हमारा तीन ट्रेड बना है, एक निफ्टी 50 में, एक बैंक निफ्टी में और एक फिन निफ्टी में गाइस। तो यहाँ पे पैटर्न पे ट्रेड करेंगे गाइस आपका भी प्रॉफिटेबल होगा, और कुछ कुछ चीज़ें को आपको ध्यान में रखना पड़ता है गाइस। तो आज के लिए इतना ही, चलते हैं फिर।